बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए सच दिखाते हैं। लाल कुआं में रेलवे कोचों को आइसोलेशन वार्ड में परिवर्तित किया गया। हम आपको बता दें कि कोरोना वायरस महामारी से निपटने के लिए कुमाऊं के सबसे बड़े रेलवे स्टेशन लाल कुआं में रेलवे कोचों को आइसोलेशन वार्ड में परिवर्तित करने का कार्य तीव्र गति से किया जा रहा है। निर्धारित 5 कोचों के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अभी तक 3 कोचों को आइसोलेशन कोचों में परिवर्तित किया जा चुका है। हम आपको बता दें कि लाल कुआं कोचिंग डिपो में 3 कोचों को आइसोलेशन वार्ड में परिवर्तित करने का कार्य पूर्ण किया जा चुका है। विदित हो कि प्रत्येक कोच में बने आइसोलेशन वार्ड में पहला केबिन चिकित्सकों एवं पैरामेडिकल स्टाफ के लिए होगा। इसमें मरीजों के लिए ऑक्सीजन की सुविधा, दवाएं व उपकरण होंगे। प्रत्येक कोच में 8 केबिन कोरोना संक्रमित रोगियों के लिए होंगे, 1 डॉक्टर व उनके स्टाफ के लिए होगा। हम लाल कुआं हैरिज एंड ड्रैगन के डिपो में 5 कोच को बनाने के लिए पूरी प्लानिंग है। 3 कोच आज करीब करीब पूरा हो गया हमारा, जो आपने देखा है कोचों को। इसमें हम एक GSCN स्लीपर कोच को हम बना रहे हैं, जिसमें टोटल 72 सीट होती हैं, 72 पैसेंजर के लिए होती हैं। जो आम उसके हम बीच की सीटें निकाल दी गई हैं, जो हमारा आदेश था। और एक कोच में 4 लैट्रिन होती हैं, जिसमें 1 लैट्रिन को हमने बाथरूम बनाया हुआ है और बीच की सीटें निकाल दी गई हैं। और उसके एक लैट्रिन में हम बाथरूम बना दिए हैं, जिसमें नहाने के लिए पूरा बाथरूम, शावर प्लस आपके बाल्टी मग्गा, उसके स्टूल, उसमें मैट लगाया गया है। ये केबिन में हम 3 तरह की बाल्टियाँ डस्टबिन रख रहे हैं, रेड, ग्रीन और आपके ब्लू। एक एक केबिन में 3-3 डस्टबिन हमें रखने की आदेश हुए हैं, वो हम लोग रखे हुए हैं। और इस कोच को क्लीनिंग के मतलब सफाई के तरह से, मतलब किसी भी कई यात्री को या मतलब मरीज को कोई प्रॉब्लम ना हो, जिसके नाते हमने पूरे अंदर से सैनिटाइज कराया है, उसकी क्लीनिंग की है। जो भी स्पॉट गंदे चीज थे उसको हमने पेंटिंग करके उसको ख़त्म किया है। कोच में मच्छर न जाए, इसके लिए बाहर से हम लोग नेट लगाए हुए हैं, जो आप देख सकते हैं। उसको अभी यह कि वो परमानेंट नहीं, हम टेप द्वारा किया गया, चिपका के किया गया, मतलब वो परमानेंट कभी भी नहीं जरूरत पड़े। अब ये कोच पूरा आप देखें कि उसके बाद इसकी पूरी क्लीनिंग का पूरा ध्यान दिया गया। और ये केबिन, एक कोच में 9 केबिन होता है। एक कोच को हम लोग डॉक्टर के लिए, जो एक केबिन में डॉक्टर साहब जो भी या मतलब नर्सिंग स्टाफ हो, मेडिकल स्टाफ जो भी होगा, वो एक केबिन में रहेगा, उनके सामान रहेंगे। उसमें ऑक्सीजन सिलेंडर लगाने के लिए स्टैंड भी लगा हुआ है। अब और 8 केबिन मरीज के लिए बनाए,